वायरस के चलते पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन सतर्कता दिखाते हुए ग्राम प्रधान द्वारा स्कूल के शुभारंभ को लेकर गांव में कराई जा रही दावत को रुकवाते हुए दावत कराने के लिए गांव में लगाए गए टेंट को खुलवाया गया, जिससे गांव में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक कार्यक्रमों को न किए जाने की हिदायत दी गई। जी हां, आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से पहले जानलेवा कोरोना वायरस ने भारत में भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। भारत में अब तक 110 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके, वहीं 3 लोगों की कोरोना वायरस से भी मौत हो चुकी है। वहीं देश में फैले इस खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को देश के नाम संबोधन करते हुए लोगों से एक दूसरे के संपर्क में आने से बचने की अपील की और अपील करते हुए इसके प्रति जागरूक रहने के लिए कहा। लेकिन बात अगर जनपद हाथरस की करे तो जिला के कस्बा सादाबाद क्षेत्र के गांव विसावर के ग्राम प्रधान चौधरी विजयपाल सिंह ने प्रधानमंत्री की अपील को अनसुना करते हुए इस बीच गांव में स्कूल का शुभारंभ करते हुए ग्रामीणों के लिए सामूहिक दावत का आयोजन कर सभी को दावत के लिए बुला लिया। जैसे ही गांव में चल रही सामूहिक दावत की जानकारी थाना कोतवाली सादाबाद पुलिस प्रभारी जगदीश चंद्र और सादाबाद SDM राजेश कुमार को हुई, आनन फानन में गांव में पहुंचकर मुनादी करते हुए गांव में चल रहे सामूहिक दावत के कार्यक्रम को रुकवाते हुए आगे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम को करने से मना किया गया। एक महामारी है, पूरे विश्व में चल रही है, इस महामारी को देखते हुए आज का मेरे स्कूल के उद्घाटन की दावत का प्रोग्राम दे। जो दावत का भोज था स्थगित कर दिया गया है। लोगों से क्षमा चाहते हुए और आज दावत के प्रोग्राम में विद्यालय पर न आए, धन्यवाद। लोगों का दौर चल रहा है, सुनाई एक दावत आपके द्वारा रद्द भी की गई, क्या है? एक्चुअली जो है ग्राम प्रधान बिसावर द्वारा अपने स्कूल का उद्घाटन करते हुए दावत का आयोजन किया गया था, जिसकी कोई अनुमति हम प्रशासन से जो है नहीं दी गई थी। काफ़ी भीड़ सा इकट्ठा होने की संभावना थी, जिसके दृष्टिगत तुरंत जाकर के रुकवाया गया है और उनका कार्यक्रम जो निरस्त कराया गया है। उनके अलावा जो बराते हैं गेस्ट हाउस वगैरह में, ये भी दावतें चल रही हैं सर, वहाँ भीड़ होने की संभावना है, तो क्या उनको नहीं, जहाँ जहाँ भीड़ होने की संभावना रहेगी वहाँ उसको रोका जाएगा।